आया ध्रुव एक्शन तारा कर रही है माँ बनने का नाटक ताकि सूर्य प्रताप से उसे छुटकारा मिल सके। सूर्य प्रताप को तारा पे शक है। सूर्य प्रताप ध्रुव को बताता है कि तारा है प्रेग्नेंट। ध्रुव ये बात सुनकर वहाँ से बिना कुछ बोले ही चला जाता है। तारा सूर्य प्रताप को कहती है कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मेरे और ध्रुव के बीच नहीं आ सकते। तभी वहां ध्रुव आता है और वो तारा के लिए मिठाइयाँ लाता है और तारा को कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ, और वो तारा को मिठाई खिलाता है। सूर्य प्रताप को देखकर तारा कहती है कि कुछ तो चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। सूर्य प्रताप मुस्कुराते हुए उसे कहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बस तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को स्वीकार कर रहा हूँ। बाजा सबको गिना के आता हूं। एक्शन पड़ता होगा हमारे घर पति से, तुम्हारे को भी आपकी किसी बात से कोई फर्क ना पड़ता है, समझ? लेकिन एक बात, मारी आकर को कभी ना पा पाएंगे राजा बाबू, मारे और ध्रुव के बीच में कभी कोई तीसरा नहीं आ सकता।